वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल. नाउ वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स ऑन द स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल. दिस इज एक्चुअली 12th मेथड ऑफ दिस इंटीग्रल. अप टिल वी हैव स्टडीड 11th मेथड एंड इट्स प्रॉब्लम्स. नाउ दीज आर द बेसिक फॉर्मूले यू मस्ट नो. दीज आर द बेसिक फॉर्मूले ऑफ द इंटीग्रेशन. ये सभी फॉर्मूले आपके रूम में चिपकाए हुए होने चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. सो यू पेस्ट दिस ऑल फॉर्मूले इन योर वॉल ऑफ योर रूम. ओके, तो स्पेशल फॉर्म में कहाँ यूज करना है? अगर इंटीग्रेशन में 1/ क्वाड्रेटिक टर्म होता है और इंटीग्रेशन में ये 1/ रूट क्वाड्रेटिक टर्म होता है, तो सच इंटीग्रल्स आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग द स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स. अभी स्पेशल फॉर्म्स कौन से? तो यहाँ पे ये 6 स्पेशल फॉर्म्स है. इसमें से पहले 3 नॉन रूट वाले हैं, 1/ क्वाड्रेटिक. ये सभी 6 स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक टर्म है. तो फर्स्ट 3 विदाउट रूट वाले हैं, लास्ट 3 रूट वाले हैं. और इसकी स्पेशलिटी आप अच्छी तरह से समझ लो. इसकी स्पेशलिटी यह है कि वेरिएबल टर्म स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म स्क्वायर, ये दो ही टर्म आपको चाहिए. ये यानी कि कांस्टेंट टर्म एंड एक्स यानी कि वेरिएबल टर्म. देन यू कैन यूज द एनी फार्मूला रिगार्डिंग दिस. इसके आधार पे हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हुए हैं लास्ट लेक्चर में. सम प्रॉब्लम्स वी हैव स्टडीड. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको मालूम होना जरूरी है, फॉर्मूले आपको मालूम होना जरूरी है. इसको भी आप आपके रूम में वॉल पे पेस्ट कीजिए. ओके, दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस वी हैव टू यूज्ड. नाउ ओके, सॉल्व इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. Evaluate the following integrals. तो इसमें हम अभी ये यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट 1/ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 dx. Let I is equals to integration of 1/ root x square plus 12 dx. यहां पे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अभी रूट वाले है, देखो रूट में यानी कि लास्ट 3 फॉर्म यूज करना है. ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सेकंड फॉर्मूला है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये 6 नंबर का थर्ड फॉर्मूला है. यहाँ पे खाली दो ही टर्म आपको चाहिए, एक वेरिएबल टर्म यानी कि एक्स, उसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए. वेरिएबल टर्मचा कोएफिशिएंट 1च पाहिजे, स्क्वेअर कोएफिशिएंट 1च पाहिजे आणि कॉन्स्टंट टर्म पाहिजे. ठीक आहे, तर या पद्धतीनं रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. सो वी कॅन राईट धीस इंटीग्रेशन ऑफ 1/ रूट. ये देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अभी 12 है, 12 को हमें ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है. अगर 12 है तो उसे हम रूट 12 लिख के स्क्वायर कर सकते हैं. अभी रूट 12 को हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं. रूट 12 के अगर फैक्टर निकाल दे दिए तो 4 × 3 इट स्क्वायर भी लिख सकते हैं. 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 2√3 इट स्क्वायर. यानी कि 12 को हम स्क्वायर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 2√3 ब्रैकेट स्क्वायर. अभी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर का. अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, देखो 1/ रूट dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट है, तो ये फॉर्मूले 3 यूज करना है.
अगर रूट में प्लस है तो लास्ट यूज करना है, बाकी के दो माइनस वाले है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये दो अलग अलग है, माइनस वाले है, प्लस वाला एक ही फार्मूला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसे हम लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स है, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो कर दो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, सो वी कैन राइट लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 ब्रैकेट स्क्वायर है, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आप लिख सकते हैं 12 प्लस सी। ये देखो, ये इसी तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। कौन सा ही रंदो, इसी फॉर्म में आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसी फॉर्म में आपको सॉल्यूशन निकालना है सीरीज। वन मिनट, ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द सेकंड पार्ट, सेकंड प्रॉब्लम। अबे हमें सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 3x² प्लस 8। ओके, नाउ लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 3x² प्लस 8। अभी देखो, जो भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है उसी में एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3। 3 को हमें कॉमन निकालना है, बाहर निकालना है, वो रूट में, तो डिनोमिनेटर से पहले √3 कॉमन निकाल दीजिए। इससे क्या होता है, जो स्क्वायर कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, 1 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, अगर रूट में हमने 3 कॉमन निकाला है तो ये 8/3 होता है। एक्स रूट में 3 कॉमन निकाल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 आता है, और उसे अगर ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो 1/√3 रहता है, वो 1/√3, क्यों, क्योंकि वो रूट में की टर्म हम कॉमन निकाल रहे हैं। सो ये हो गया 1/√3। अभी ये हो गया कंप्लीट एक्स स्क्वायर। नाउ हमें क्या करना है, ये स्क्वायर बनाना है, 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √8 डिवाइड बाय √3 इट्स स्क्वायर। अभी हम देखो, यहाँ पे अगर √8 है तो √4 × 2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं √8 को। सो वी कैन राइट 1/√3 इज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, √8/√3, वेरी गुड ऋषिकेश पदमवार, वेरी गुड। अभी √8 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 2√2 डिवाइड बाय √3 इट्स स्क्वायर। अभी ये हो गया फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया, देखो
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² ये प्लस है, देखो प्लस वाला फॉर्म हमारे पास एक ही है, ये देखो ये है रूट में प्लस होने वाला फॉर्मूला एक ही है, रूट में है तो माइनस वाले दो होते, ये फर्स्ट है तो अलग फार्मूला, एक्स फर्स्ट टर्म है तो अलग फार्मूला, लेकिन प्लस है तो एक ही फार्मूला यूज करना है, कौन सा ही फर्स्ट रन दो कौन सा ही सेकंड रन दो, अगर प्लस है तो इसको यही फार्मूला यूज करना है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/√x² + a² है, तो log ऑफ एक्स प्लस रूट x² + a² इसी तरह से हमें लिखना है 1/√3 log ऑफ एक्स प्लस रूट x² + a² प्लस सी। अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1/√3 log ऑफ x+√x+, अभी 2√2 यानी कि 4 × √2 यानी कि 8/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी। ओके हाँ, 8/3 ये ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है, 8/3, तो फाइनल आंसर आता है x+√x+8/3 प्लस सी, ये हुआ कंप्लीट आंसर। अभी नेक्स्ट वी शैल डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम थर्ड। अभी इसी तरह के मैं प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए देता हूं ना, इस टाइप के होमवर्क, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√ 4x² + 5, सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ dx/√ 5x² + 9, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ dx/√ (8x² + 17)। ओके ये सभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी शैल सॉल्व सेवंथ प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(11 − 4x²)dx। अभी क्या करना है देखो, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(11 − 4x²)dx। हाँ चलो स्टूडेंट्स, अब बताइए मुझे यहां पे हमें कौन सी टर्म कॉमन निकालना है, बोलो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है ये मुझे बताइए, यहाँ पे कौन सी टर्म आपको कॉमन निकालना है, स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन कॉमन निकालना है। हाँ तो स्क्वायर क्वेश्चन कॉमन निकालना है यानी कि 4 कॉमन निकालना है, अगर रूट में 4 कॉमन निकालते हैं तो रूट के बाहर होता है 1/2, 1/√ 11 में से 4 कॉमन निकाल दिए तो 11/4। वेरी गुड विजय देवकर, कानडे, ऋषिकेश, आदित्य निकम, ये रूट में 4 कॉमन निकाल दिए तो रूट के बाहर 2 आता है। ओके -x² इसे अभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो √(11)/2 √(²) − x² dx। देखो ये आता है रूट, ये स्क्वायर बनाना है इसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल टर्म स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म स्क्वायर, ये दो टर्म लगते हैं,
तो रूट का स्क्वायर नहीं होता, 11 का स्क्वायर नहीं होता, देयरफॉर रूट देके स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर रूट 2 ले लो और उसी का स्क्वायर कर दो, यानी कि 4 होता है, रूट 11 स्क्वायर मीन्स 11, 2 स्क्वायर मीन्स 4, ओके। अभी इसको कंपेरेटिव फार्मूला देखना है। चलो जो भी बच्चे ऑनलाइन है, हाँ आदित्य एम, आदित्य तू नवीन आला असेल रे, रेगुलर पाठीमागचे व्हिडिओ लेक्चर बघ, ही मेथड खूप दिवसापासून चालू आहे, जरा पाठीमागचे व्हिडिओ चेक करा म्हणजे समजतं। मध्ये एक मध्ये जर आज आला तर तुम्हाला काही समजत नाही, तुम्ही कंटिन्युअस रोज जर 5 दिवस राहिला, अगर आप रेगुलरली 5 डेज 6 डे अगर अटॅचमेंट होती है आपकी तो आपको समझ में आता है। अगर आप कभी भी अंदर एक दिन में आते हो तो वो मेथड समझ में नहीं आती, बिकॉज दिस मेथड इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम लास्ट 5 डेज, सो डायरेक्टली दिस मेथड यू कांट बी अंडरस्टैंड, ओके। सो यहाँ पे आप देखो कौन सा फार्मूला यूज करना है, देखो इसमें मैं अभी लिस्ट आपको बताता हूँ। ये देखो इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो छोड़ दो, रूट नहीं है। अभी मुझे बताइए, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो मुझे बताइए, फार्मूला 4 यूज करना है या 5 यूज करना है या 6 यूज करना है, बोलो बताइए मुझे। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो बताइए इसमें से वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है हमारे प्रॉब्लम को। तो देखो कौन सा है, ये देखो रूट में कांस्टेंट अगर फर्स्ट है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अगर रूट में वेरिएबल टर्म फर्स्ट है और सेकंड टर्म माइनस है तो ये यूज करना है, माइनस में 2 है और जो थर्ड है वो प्लस में है, लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम का फॉर्म है वो माइनस में है, यानी कि या तो आपको 4 यूज करना है या तो आपको 5। तो मुझे बताइए कौन सा, वेरी गुड सुमित कदम, ऋषिकेत पदमवार, वैष्णवी कानडे, सुमति अगस्ती, राइट, वेरी गुड। आपको ये 4 नंबर का फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज रूट में माइनस है और कांस्टेंट टर्म फर्स्ट है फर्स्ट टाइम में, तो ये यूज करना है। तो फार्मूला इसको कौन सा फार्मूला आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, तो ये यूज करो 1/2 इज इट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए, यानी कि रूट 11/2 प्लस सी, अभी ब्रैकेट में 2 है उसको न्यूमरेटर में ले लो, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x/√11 प्लस सी। ये समझ में आया का, वैष्णवी पाटिल, विजय देवकर, संदेश, विजय देवकर, ओके, सुमति, समझ में आया क्या ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है। रूट में अगर क्वाड्रेटिक टर्म है तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देना है, अलग अलग तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फॉर्मूला यूज करना है। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम वी शैल डिस्कस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ 2x² - 5 dx। चलो अभी यहां पे क्या कौन सी टर्म कॉमन निकालना है रे, ऋषिकेश यू टेल मी विच टर्म वी हैव टू टेक आउट अ कॉमन। जो भी स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसे आपको कॉमन निकालना है, यानी कि √2 कॉमन निकालना है, तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ x² - रूट मध्ये ऍक्च्युअली 2 कॉमन काढल्यामुळे 5 मधून जेव्हा तुम्ही 2 कॉमन काढताय तेव्हा तिथे 5/2 येतो। हा व्हेरी गुड विजय देवकर, व्हेरी गुड व्हेरी गुड। ऍक्च्युअली रूट मध्ये 2 कॉमन निघतो, 2 कॉमन निघतो रूट मध्ये, पण रूट च्या बाहेर लिहिल्यानंतर √2 येतं, व्हेरी गुड। 1/√2, अभी इसको स्क्वायर बनाना है, किस तरह से बना सकते हैं बोलो,
ये स्क्वायर बनाना है, रूट फाइव अपॉन रूट टू ब्रैकेट स्क्वायर डीएक्स। चलो अभी ये कौन सा हो गया फॉर्म देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। हाँ चलो स्टूडेंट्स, आप बताइए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अभी यहाँ पे। रूट वाला ही है लेकिन फोर फाइव और सिक्स में से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है। देखो प्रॉब्लम फिर से एक बार देखो, प्रॉब्लम का फॉर्मेट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस है अंदर माइनस है, एक्स फर्स्ट पोजिशन पे है कांस्टेंट सेकंड पोजीशन पे है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि फिफ्थ नंबर का बराबर है। वेरी गुड सुमित कदम, विजय देवकर वेरी गुड, वैष्णवी कानड़े वेरी गुड। अभी फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला यूज करो, आई इज इक्वल्स टू, ये देखो वन बाय रूट टू आई इज इट इज, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके तो अभी स्क्वायर की टर्म इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू प्लस सी। ये हो गया, दिस इज द कंप्लीट आंसर, ये हो गया कंप्लीट आंसर। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी इसी तरह के मैं होमवर्क देता हूं, नाइन्थ इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 25, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ फाइव माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ये देखो इस टाइप के रूट वाले डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म्स है। ओके नाउ वी शैल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 13 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 9 प्लस एक्स डिवाइड बाय 9 माइनस एक्स डीएक्स। ओके 9 प्लस एक्स डिवाइड बाय 9 माइनस एक्स डीएक्स, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 9 प्लस एक्स डिवाइड बाय 9 माइनस एक्स डीएक्स। अभी देखो यहां पे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, या तो रूट में रहने दो, नई रूट में रहने दो, रूट में रहेंगे या रूट में नहीं रहेंगे, लेकिन सबका न्यूमरेटर देखो वन है। सबका न्यूमरेटर कौन सी टर्म है, वन है। तो इसी तरह के अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अगर ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है तो सभी को
आपको कौन सी फॉर्म, न्यूमरेटर वन ही होना जरूरी है, न्यूमरेटर दूसरा नहीं चलेगा। यहां पे आप अगर देख सकते हैं प्रॉब्लम में न्यूमरेटर वन नहीं है। न्यूमरेटर देखो कितना है, यहां पे रूट ऑफ 9 माइनस x है। अगर रूट में 9 माइनस x है, रूट में ये प्लस x है, इसी टाइप के अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको उसे अलग तरीके से सॉल्व करना होता है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, इसको हम दूसरी तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो। तो आप ये देखो, यहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। कौन से टर्म का सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर ए प्लस एक्स ये माइनस एक्स है, इसी तरह के अगर प्रॉब्लम्स आपको आते हैं तो आपको कॉस थीटा सबको सब्स्टिट्यूट करना होता है। कॉस थीटा, वन मिनट, आई शैल टेल यू द एक्सप्रेशन दिस ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स के बारे में। तो यहाँ पे 9 प्लस x 9 माइनस x है, सो वी कैन पुट दिस। मैं आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग देता हूं। अगर इसको है, अगर यहां पे कहीं भी ए माइनस एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स आता है तो पुट एक्स इजिकल्स टू ए कॉस थीटा, ये लिख दो बाजू को, कहां तो फॉर्मूला लिख दो, ये इसी के आधार पे सॉल्व करना है। अगर कहीं भी आपको ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स आता है, कहीं पर भी आने दो, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या रखना है, ए कॉस एक्स। अगर ए स्क्वायर ए माइनस एक्स, सो वी कैन पुट हियर, पुट एक्स इजिकल्स टू, ये का मतलब यहां पे कितना है, 9, 9 cos, अगर 2 थीटा लिखा तो अच्छा रहेगा, नो प्रॉब्लम, cos थीटा। देयर फोर यहां पे ये की वैल्यू 9 है, dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू 9 cos थीटा का डेरिवेटिव आता है -sin थीटा। ये देखो, ये मेथड आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स आते हैं तो ए इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा लिखना है। तो ये dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू, हाउ टू राइट दिस, -9 sin थीटा, देयर फोर -dx इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर ले लो, 9 sin थीटा डी थीटा, dx के जगह पे माइनस, ओके, इधर का माइनस यही रख दो, -sin थीटा डी थीटा, ओके। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, देयर फोर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 9 प्लस, ये देखो अभी एक्स की जगह पे 9 cos थीटा लिखना है, डिवाइड बाय 9 माइनस 9 cos थीटा इंटू dx को क्या लिखना है, -9 sin थीटा डी थीटा। ओके, ये पर्टिकुलर टाइप का है। हाँ, अगर आप रैशनलाइजेशन से भी सॉल्व करते हैं तो रैशनलाइजेशन क्या करना है, 9 प्लस x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है। तो 9 प्लस x, 9 प्लस x यानी कि 9 प्लस x ब्रैकेट स्क्वायर होता है, न्यूमरेटर में 9 प्लस x आता है, डिनोमिनेटर में 9 माइनस x स्क्वायर आता है, नहीं तो ये नहीं है, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो देखो अभी क्या करना है, 9 कॉमन निकाल दो, 1 प्लस cos थीटा
डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में नाइन कॉमन निकाल दो, वन माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस नाइन साइन थीटा डी थीटा, ये नाइन नाइन कैंसिल होता है, रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, ये माइनस नाइन मैं बाहर निकालता हूं, वन प्लस ये देखो ये जो माइनस नाइन है उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, ये देखो वन प्लस कॉस थीटा मीन्स टू इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू, वन माइनस कॉस थीटा यानी कि टू इंटू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू इंटू साइन थीटा डी थीटा, माइनस नाइन इंटीग्रेशन ऑफ ये टू टू कैंसिल होता है, ए रूट स्क्वेयर कैंसिल होता है, यहां पे रहता है कॉस थीटा बाय टू अपॉन साइन थीटा बाय टू इंटू, अभी इस साइन को हम हाफ एंगल में लिखते हैं, साइन थीटा कैन बी रिटन एज टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, तो हम यहां पे टू इंटू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू डी थीटा, तो क्या होता है ये साइन थीटा बाय टू ये साइन थीटा बाय टू कैंसिल होता है, ये टू बाहर आता है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आई इज इक्वल्स टू माइनस 18 इंटीग्रेशन ऑफ, अभी क्या रहेगा देखो इंटीग्रेशन में, ये देखो क्या रहेगा इंटीग्रेशन में, कॉस थीटा बाय टू, कॉस थीटा बाय टू मीन्स कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू, कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू डी थीटा, अभी कॉस स्क्वेयर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं है, इसको हमें हाफ एंगल में बदलना है, अगर वन प्लस कॉस टू थीटा होता है तो उसकी वैल्यू होते कॉस स्क्वेयर थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इसकी वैल्यू अपॉन टू, इस तरह से लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट दिस कॉस स्क्वेयर, ये कॉस है देखो मैं फिर से इसको रिड्यूस करता हूँ, देखो कॉस थीटा बाय टू, कॉस थीटा बाय टू यानी कि इसका मतलब कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू, अभी ये कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू को ये फॉर्मूला यूज करो, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू यानी कि माइनस 18 वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन, हाँ कॉस थीटा, टू थीटा नहीं है इसके डबल, थीटा अपॉन टू इंटू डी थीटा, तो माइनस नाइन इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस थीटा डी थीटा माइनस नाइन, अभी इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, वन का इंटीग्रेशन आता है थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आता है साइन थीटा प्लस सी, माइनस नाइन थीटा माइनस नाइन साइन थीटा प्लस सी, लेकिन ये जो थीटा है थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो इसी फार्मूला से, अगर एक्स इज इक्वल्स टू नाइन कॉस थीटा है तो यहां पे एक्स इज इक्वल्स टू नाइन कॉस थीटा है तो x बाय नाइन इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आता है, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 18, ओके वी शैल डिस्कस दिस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x बाय नाइन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x बाय नाइन, माइनस 18 आहे का, कुठ आहे माइनस 18, हाँ ओके माइनस 18 आहे, पण हा जो 2 होता 2 ने इथं 18 ला डिवाइड केल्यानंतर माइनस 9 होईल ना, ओके तर थीटा ची वैल्यू ठेवा, मग माइनस 9 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9
अगर यहां पे अगेन देखो -9 साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय 9 प्लस सी, ओके। ये देखो इसी तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसको हम दूसरे मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसे हम अलग तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड आगे है, यहाँ पे नहीं है। तो ये सभी प्रॉब्लम इसी टाइप से सॉल्व करना है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, सभी प्रॉब्लम सेम है, खाली कुछ नहीं चेंज करना है। अगर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ये मेथड, ये प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आप इसे यहाँ पे लिख दो, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन टेबल दिया है ना, यहाँ पे लिख दो 4 नंबर, यहाँ पे लिख दो रूट ऑफ, अगर एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है, तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू ये कॉस 2 थीटा। अगर कॉस 2 थीटा लिखते हैं तो भी चलेगा, इजी हो जाएगा, इससे भी इजी सॉल्व करने को हो जाएगा। यू कैन सॉल्व इजीली इफ वी पुट एक्स इज इक्वल्स टू ये कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा भी लिख दो तो नो प्रॉब्लम, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है, अगर कॉस थीटा लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ये कॉस थीटा लिखना है। चलो हम अभी दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स डीएक्स, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स डीएक्स, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 10 cos 2 थीटा। मैं यहां पे 2 थीटा लिख के करता हूं, therefore dx by d theta is equals to 10 as it is cos 2 theta का डेरिवेटिव sin 2 theta into 2 theta का 2, therefore dx is equals to 20 a minus sin 2 theta d theta, यानी कि dx is equals to -20 sin 2 theta d theta। Also, x is equals to 10 cos 2 theta, x by 10 is equals to cos 2 theta, therefore 2 theta is equals to cos inverse x by 10, therefore theta is equals to 1 by 2 cos inverse x by 10। ये देखो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन का पार्ट, यहां तक आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। अभी हमें इंटीग्रेशन में चलना है। नाउ आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखना है, देखो अगर एक्स है तो यहां पे 10 cos 2 थीटा लिखना है, 10 cos 2 थीटा डिवाइड बाय 10 माइनस 10 cos 2 थीटा इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है, 20 sin 2 थीटा d थीटा -20 sin 2 थीटा d थीटा, ये डी एक्स की जगह पे। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, कॉमन निकाल दो 10 इन अ ब्रैकेट 1 प्लस cos 2 थीटा, 10 कॉमन निकाल दो 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू -20 sin 2 थीटा d थीटा। ये 10 10 कैंसिल होता है, मैं -10 20 को इंटीग्रेशन के बाहर लेता हूँ। आई इज इक्वल्स टू -20 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos² थीटा।
अगर 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 sin² थीटा, तो इसे हम 2 cos² थीटा डिवाइड बाय 2 sin² थीटा ((sin)² थीटा d थीटा). ओके, ये समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए. 2 2 कैंसिल होता है, i = -20. अभी ये देखो, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, cos θ/sin θ. अभी साइन थीटा को फॉर्मूला देखो, sin² थीटा है तो उसे 2 sin θ (cos θ) ऐसे लिख सकते हैं. ये देखो, ये फॉर्मूले भी आप साथ में लिखते जाइए. कधी जेव तुम्हाला मी हे सॉल्व करत असताना फॉर्मुले जर लिहून दिलं तर तुम्ही फॉर्मुले सोबत लिहित चला. sin² sin θ (cos θ) d θ. sin θ कॅन्सल, हे 2 परत बाहेर येतो इंटिग्रेशनच्या. i = -40 cos² θ (d θ). परंतु तुम्हाला माहिती आहे, आपण सुरुवातीला पाहिलेलं आहे कॉस स्क्वेअरला इंटिग्रेशन नाही. मग कॉस स्क्वेअरला इंटिग्रेशन नाही तर हा फॉर्म्युला वापरायचा. मग का हा पहिला फॉर्म्युला वापरा. कॉस स्क्वेअरलाच काय लिहितात? कॉस स्क्वेअर थीटा म्हणजे 1 + cos² θ / 2. पहा, कॉस स्क्वेअर थीटा असेल तर 1 + cos² θ / 2. सो i = ⁄ 1 मिनिट. ये जो बाहर की टर्म है -40 ((cos²θ/2)θ). देयरफॉर i = ये देखो, ये बाहर आता है -40/2. अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो इस तरह से लिखो, 1 + cos²θ (d θ). i = -20. 1 का इंटीग्रेशन आता है थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन आता है sin²θ/2 + c, यानी कि -20θ - 10 sin²θ. ये 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, ये देखो कॉस 2 थीटा का इंटिग्रेशन sin²θ, आणि थीटाचा जो कोएफिशिएंट आहे 2, तो 2 खाली डिनॉमिनेटर मध्ये घ्यावं लागतं, कारण साइन ax + b चं इंटिग्रेशन काय असतं? -cos ax + b / a. एक्सचा कोएफिशिएंट डिनॉमिनेटर मध्ये येतो 2θ. मग थीटाची व्हॅल्यू रिप्लेस करा -20. थीटा म्हणजे पहा काय आहे, 1/2 cos inverse x/10. 1/2 cos inverse x/10 -10 × sin². 1/2 cos inverse x/10. ये देखो, ये 2 2 कैंसिल होता है, ये 2 10 कैंसिल होता है. -10 cos inverse x/10 -10 sin(cos inverse x/10) + constant of c. ये देखो, इसी तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मैं अभी होमवर्क देता हूँ इसी का, नंबर होमवर्क अभी इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है. बहुत इजी है. फर्स्ट, √(5 + x)/(5 − x). सेकंड, √, समझ में आया करे विजय देवकर, वैष्णवी कानड़े, ये अलग तरीके का प्रॉब्लम है, आपको इसे सॉल्व करना है. ये सभी प्रॉब्लम आपको, ये जो है ना 3 प्रॉब्लम,
इस मेथड से सॉल्व करना है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप फिर से एक बार देख लो, इसी को ये 4 नंबर का सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, इसी टाइप में आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो वी शैल स्टॉप हियर, नमस्कार, गुड बाय। होमवर्क करत चला रे, होमवर्क तुम्ही पाठवत नाही पा, होमवर्क पाठवत चला। जोपर्यंत तुम्ही हे इंटिग्रेशनचे होमवर्क नाही करणार तोपर्यंत तुम्हाला समजणार नाही। खूप महत्त्वाचा चॅप्टर आहे, तुम्ही होमवर्क करा।